अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक ब्रेड चाहिए होगी, आधा लीटर दूध चाहिए होगा और आधा कप चीनी चाहिए। इसको इस तरह से कट कर लेंगे। सारे स्लाइस के किनारों को आप कट कर लीजिए और फिर इनको हमने ट्राइंगल शेप में कट करना है। इसके बाद हम एक हॉट प्लेट ले लेंगे, या आपके पास फ्राइंग पैन हो तो आप वो भी ले सकते हैं, तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच इस पर मैं ऑयल प्योर करूँगी और फिर अपने ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने कट किए हैं इनको हमने डीप फ्राई करना है। जब तक के फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी सा इनका टेक्स्चर हो जाएगा। इस तरह से फिर आपने थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करना है। दोनों साइड से ये इक्वली ब्राउन हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये डेजर्ट बनकर तैयार होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जब भी कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो आप उसके लिए भी ये तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है या फिर बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए होते हैं। आधा लीटर दूध ले लिया था मैंने। 1 कप दूध में मैं 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर रही हूँ। आप वनीला आइसक्रीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जब तक कि इसको स्लो स्लो पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा, और स्लोली आप इसको ऐड कीजिएगा और कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से अपनी सर्विंग ट्रे में सेट कर लिया था और हम कस्टर्ड को इस तरह से इसके ऊपर प्योर कर देंगे। और आप इक्वली सारा जो है वो कस्टर्ड है इक्वली जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड कीजिएगा ताकि कोई भी किनारा रह ना जाए। ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर मैंने क्रश कर डाल दिए हैं। जो भी आपके फेवरेट नट्स हैं, एलमंड्स हैं, पिस्ताशियो हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फिर अपने गेस्ट को या फिर जो भी आप सर्व कीजिएगा।